दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों को भी जैसे आप लोग पेटीएम पोस्ट पेड एक्टिवेट करने जा रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को एक प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है। वी हैव कैप्चर यूअर इंटरेक्स, तो क्या है ये एंड किस तरीके से आप लोगों को इस प्रॉब्लम को फिक्स करके अपने पोस्ट पेड यहाँ पे पेटीएम पोस्ट पेड में यहाँ पे आप लोगों को एक्टिवेट करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल्ली एंड कम्प्लीटली इनका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखना है एंड मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा जो ये यहाँ पे वी हैव कैप्चर इंटरेक्स ये प्रॉब्लम आप लोग क्यों दिखने को मिल रहा है। एंड आप लोग जैसे बैक टू होम पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोग को फिर से जो यहाँ पे बैक में लेके चला जाता है होम पेज में, उसके बाद फिर से आप लोग एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करते हो तो फिर से आप लोग को सेम ही यहाँ पे प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे एक्टिवेट नाउ पे फिर से क्लिक करता हूँ बैक करके, तो यहाँ पे मुझे फिर से वही जो है सेम ही प्रॉब्लम दिखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हो आप लोग, यहाँ पे वी हैव कैप्चर यूअर इंटरेक्ट, तो किस तरीके से सॉल्व करना है एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके किस तरीके से हम लोग को 60,000 तक का जो लोन मिलता है उसको लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा के हमें सेट कर देना है, क्योंकि जैसे मैं पेटीएम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड पेटीएम पे तो वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, कोई भी आप लोग को ढूंढने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को आप लोग को सिर्फ एंड तक देखना है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप लोग का ये प्रॉब्लम का रीज़न भी जानेंगे एंड ये भी जानेंगे कि आप लोग को क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों रिजेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे साफ साफ ही लिखा वी हैव कैप्चर यूअर इंटरेक्ट, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा ये आप लोग को क्यों दिख रहा है, इसका पहले रीज़न जान लेते हैं उसके बाद इसका जो है सॉल्यूशन जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा ये मेरे में भी शो हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे एक्टिवेट करने जा रहा हूँ पेटीएम पोस्ट पेड में तो मुझे भी यहाँ पे सेम ही दिखने को मिल रहा है वी हैव कैप्चर यूअर इंटरेक्ट। उसके बाद मैं जो किया था, मेरा जो भाई का अकाउंट है, जो भाई का पेटीएम है उस पर गया मैं, जैसे एक्टिवेट करने गया तो उसमें सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया, मुझे ये देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि जो है इसका रीज़न साफ साफ यही है कि जो मैं जो पेटीएम पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं किया था, यानी कि ज़्यादा लेन देन या फिर जो पेटीएम पे ज़्यादा लेन देन करना पड़ेगा तभी जो आप लोग पेटीएम पोस्ट पेड में जो आप लोग लोन के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो ही गया, जैसे कि मेरे भाई का जो पेटीएम में बहुत सारे डेली का अच्छे खासे ट्रांजेक्शन होता है, यहाँ तक कि यहाँ पे बहुत ही ट्रांजेक्शन होता है मेरे भाई के पेटीएम पर, तो इसीलिए जो है मेरे भाई में इंस्टेंटली 2500 रुपया मिल गया था, अब जितना चाहो उतना मिल सकता है। तो यहाँ पे जो साफ साफ आप लोग क्लियर हो ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा में जो ये प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है, यानी कि मैं जो पेटीएम पर ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करता हूँ, यानी कि मैं करता हूँ जितना, मेरे पास इतना अमाउंट ही नहीं है, इतना मैं ट्रांजेक्शन कहाँ से करूँ। तो यहाँ पे साफ साफ आप लोग को ट्रांजेक्शन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना है आप लोग को, यहाँ पे पेटीएम पर एक महीना लगातार बहुत ही ट्रांजेक्शन करना है, उसके बाद जो है आप लोग इजीली यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पे उसके बाद आप लोग को ये जो प्रॉब्लम है नहीं दिखने को मिलेगा वी हैव कैप्चर यूअर इंटरेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आए, तो लाइक करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब